महिला है 2 महीने की प्रेगनेंट हो जाती है, पैर सूजने लग जाते हैं, उल्टी आने लग जाती है, कोई उनके पास इलाज नहीं, जा के गोलियां खाती है, कोई ऐसे क्रॉस लेग करके बैठा है, कोई पैर के ऊपर पैर रख के बैठा है। एक भाई साहब को जब मैंने कहा तो उन्होंने और पैर इधर ले लिया है। ठीक है, ये कमर की जितनी भी समस्याएं हैं इसको लाने का सबसे बड़ा समस्या है कि हम ये पैर को ऐसे बैठ रहे हैं, पैरों को ऐसे करके कभी नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, क्रॉस नहीं बैठना है, दोनों पैरों को धरती के ऊपर बराबर टिका के बैठना। आप देखें जो महिलाएं 2 महीने की प्रेगनेंट हो जाती है, पैर सूजने लग जाते हैं, उल्टी आने लग जाती है, कोई उनके पास इलाज नहीं, जा के गोलियां खाती है, उनको सिर्फ ये कहिए कि ऐसे बैठे, हाथ ऐसे नहीं रखना है, दीवार के सहारे उनको बिठाना है और ऐसे बिठाना है। उसकी सारी समस्याएं केवल ऐसे बैठने, केवल ऐसे बैठेगी और उसकी जितनी भी सूजन की समस्याएं हैं, उल्टियों की समस्या है, उसका जी मचला रहा है, जी घबरा रहा है, केवल ऐसे बैठने करके देखिए। एक व्यक्ति है गुजरात के, उन्होंने जीवन के 45 साल इस काम में लगा दिए, 45 ईयर्स के बाद उन्होंने ये सब चीजें निकाली। यदि हमको केवल सोना और बैठना है, 2 तरीके बैठने के होंगे, और तीसरा तरीका ये जैसे हम लोग बैठते हैं सामान्य सा, तो इससे क्या है घुटनों की जितनी भी समस्याएं हैं जो आप लोग कहते हैं, इन सारी समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। ऐसे भी बैठे तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे बैठेंगे तो ऐसे बैठ जाते हैं, पैरों को दोनों को टिकाना है, क्रॉस भी कर सकते हैं, ऐसे टिकाना। ऑफिस में मान लीजिए ऐसे नहीं बैठा जा रहा है तो सामने एक चेयर रख लीजिए, ऐसे बैठिए उसके ऊपर, ऐसे नहीं बैठ। और बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे ये इनकी स्टाइल होती है खड़े होने की, ऐसे होता है ना, कई बार ऐसा होता है खड़े तो ऐसे खड़े, मैं लेक्चर था तो प्रेयर कराते थे सुबह बच्चों को तो ऐसे खड़े होते थे। होना क्या चाहिए, दोनों पैरों पर बराबर संतुलन होना चाहिए। अगर हमारा शरीर संतुलित होगा, हमको सोने का सही तरीका आएगा, तो हमारे को कोई भी शरीर में हमारे रोग नहीं आएगा। अपने आप आपको लगेगा मेरा वेट भरे, मेरा वेट बैलेंस होने लग गया, नाभि को ठीक रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे ही मैं आपको एक छोटी विद्या बता देता हूँ, आप सब लोग महिलाएं खास करके, पुरुषों को भी सबको करना है, आज से रात को 2 बूंद गाय का घी नाभि में डाल के, दाना मेथी होती है देना, ये मेथी को एक बार वापस आप देख लीजिए, ऐसा घी के 2 टपके डाल दिए, गरम करके डाल रहे हैं का, घी के 2 टपके इस तरह से डाल, ये देखिए आप कोई तो उसका कितने डाले, जैसे इनकी नाभि बहुत छोटी है तो थोड़े से दाने आएंगे, छोटी जना किसी किसी की नाभि बहुत बड़ी होती है, आप अचंभा करेंगे अगर हम लोग जैसे नाभि को पढ़ाई करते हैं ना, नाभि 10 शेप की होती है, किसी की नाभि ऐसे शंख शेप की इधर होगी, किसी की इस तरह की होती है, किसी की मोर शेप की होती है, किसी की तीर शेप की होती है, पढ़ने में बड़ा अजीब लगता है ये सारा नाभि बारे में तो हाँ बहुत अच्छी नहीं थी, सही सही आप पूछते नहीं, ये अच्छी बात पूछते तो, देखिए शरीर के नीचे, शरीर के नीचे एक मैग्नेट रख लेना चाहिए, जब नाभि बाहर आई भी होती है तो नाभि को अंदर ले आती है, और अगर नाभि अंदर गई भी है तो ऊपर मैग्नेट रख लेना चाहिए तो नाभि अपनी जगह आ जाती है। ये इतना सा तरीका आपकी जो भी लड़कियां हैं जैसे 12 साल की 15 साल की जो अभी से समस्याएं हो रही है जिनको, कुछ नहीं करना है, आपके शरीर के बहुत सारे रहस्यमय चीजें जो गांव की औरतें अपने ससुर को नहीं बता पाती, पति बाहर सर्विस करने जाते हैं, सास होती नहीं है तो अपनी समस्याएं बता नहीं पाती किसी को, तो हम जब गांव में जाते ना तो कहते हैं भाई हमारे लिए भगवान आ गई, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं बताने वाला। आप भी जैसे मान लीजिए टीचर हैं, कहीं जा रहे हैं, आपकी समस्या हो रही है, ये छोटी छोटी बातें बताएंगे ना, एक तो आपको ऑफिस में प्रमोशन मिलेगा जल्दी, आप लोगों को ठीक करने लग जाएंगे, सर आप डॉक्टर हो जाते, बस ये लगा दिया ऐसे बताना नहीं है, इतना सा काम करने, कितना कठिन है ये काम, सारी समस्याएं खत्म, क्योंकि ये 72,000 नाड़ियां हैं और ये 72,000 नाड़ियां घी लगाना, घी पहले डाल दिया 2 बूंद ऊपर नाभि भर दी, टेप लगा दिया, कितना टाइम, ये रात को सोते समय लगाइए, सुबह घंटे के बाद।